तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। जब मर गया वो तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जानवर जब जख्मी हो जाता है ना तो वो खूंखार हो जाता है, और जब वो खूंखार हो जाता है तो सारी हदें पार कर देता है। वही चीज, वही जानवर हमें रणबीर कपूर देखते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, एनिमल मूवी जो हदें पार कर रही है, जो कलेक्शन, जो रिकॉर्ड, जो सब कुछ, मतलब ताबड़तोड़ तबाही मचाते नजर आ रहे हैं। भाई कमाल है। सैटरडे में कल जो तबाही मचाई है, उसके बाद आज संडे के जो एडवांस बुकिंग में रुझान देखने को मिल रहे हैं, संडे को जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, भाई तबाही नजर आ रही है। सामने डंकी मूवी 21 तारीख को आनी है, 22 तारीख को सालार आ जानी है। बावजूद इसके लोग बिना परवाह करे, आगे की प्लानिंग को ना सोच के एनिमल मूवी में जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग मूवी देखने जा रहे हैं, लग रहा था कि चलो 5-6 दिन 7 दिन अब तक हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन भाई आज संडे में भी ऐसी तबाही देखने को मिल रही है। मतलब ठीक है, 50 करोड़ आ रहा है, लेकिन उससे भी ऊपर आ रहा है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या रुझान है, पहले 8 दिन में कैसा कलेक्शन रहा, कल को कैसा क्या रुझान रहा है, ऑक्यूपेंसी कैसी रही, आज कैसा कलेक्शन कर रही है, आज कैसे कैसे रिकॉर्ड को ये तोड़ रही है। भाई साहब, बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जेलर, लियो, टाइगर 3, सुल्तान, सभी मूवी के रिकॉर्ड को, लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये तोड़ चुकी है, वॉर के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है, इवन ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर की खुद फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड को भी ये तोड़ चुकी है, जिनका लाइफ टाइम कलेक्शन 400 करोड़ है, 350 करोड़ है, किसी का 600 करोड़ है, लियो का 600 करोड़ है, जेलर का 610 करोड़ है, इन सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पहले ही 8 दिन में इस मूवी ने हिंदी से 321 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे, साउथ बेल से 38 करोड़ 37 लाख है, नेट इंडिया से 360 करोड़ 50 लाख, ओवरसीज से 170 करोड़ 80 लाख है, पूरी दुनिया से यह मूवी पहले ही 8 दिन में 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार के अपनी जीत का डंका फहराया है, और जबरदस्त तरीके से। बात करें कल डे 9 कैसा रहा है, भाई सेकेंड सैटरडे में कैसे क्या रुझान रही है, देख के लग रहा था चलो ठीक है एवरेजली, जैसे वर्किंग डेज में क्या था कि 23-24 करोड़ इनकम आती दिख रही थी नेट इंडिया से, हो सकता था कि चलो सैटरडे में भी 2-3 करोड़ बढ़ जाएगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिला है। कल फुल डे की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है 38 से 40%, जहां पर इवनिंग में बहुत सी जगह हाउसफुल शोज नज़र आए हैं, हिंदी से 35 करोड़ आते नजर आ रहा है कल, एंड साउथ वेल से 2 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड IMAX ऑल्सो को मिलाकर 37 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन आते दिख रहा है, क्रॉस कलेक्शन वही 43 करोड़ के आसपास, एंड ओवरसीज से कल आते दिख रहा है लगभग 12 से 13 करोड़ के आसपास, पूरी दुनिया से 55 करोड़ का कलेक्शन ठोक के मारा है। भाई ह्यूज कलेक्शन है। टाइगर 3 से ये उम्मीद करी जा रही थी कि भाई ये मूवी पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी, क्योंकि वायरफ ने जो प्रमोशन किया था भाई वर्ल्ड कप में, इतना पैसा भाया, मतलब वर्ल्ड कप प्रमोशन के दौरान पे बहुत अच्छा पैसा भाया, बावजूद इसके कि टाइगर 3 को उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं देखने को मिला। भाई एनिमल ने जो तबाही मचाई है, काबिले तारीफ है। भाई गॉड, तो कल एंड ऑफ द डे तक, यानी पहले 9 दिन में ये मूवी सिर्फ हिंदी से 356 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। साउथ बेल्ट से यार, आफ्टर जवान, एनिमल वो मूवी है बॉलीवुड की हिंदी मूवी जिसने इतनी ह्यूज इनकम करी है साउथ बेल्ट से, जबकि जवान का कलेक्शन आई थिंक 57 या 58 करोड़ के आसपास है लाइफ टाइम साउथ बेल्ट से, लेकिन साउथ बेल्ट से जिस हिसाब से एनिमल चल रही है भाई, ये मूवी 60 करोड़ प्लस हो जाएगी, बहुत तबाही देखने को मिल रही है। साउथ बेल्ट से 40 करोड़ 37 लाख नेट इंडिया से कल आते दिख रहा है, पहले 9 दिन में 397.50 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, अराउंड में 398 करोड़ ही मान के चलो कल एंड ऑफ द डे तक आते दिख रहा है, मतलब अभी ऑफिशियल नहीं है, अगर ऑफिशियल डेटा आ गया तो हो सकता है पहले 9 दिन में ही 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी नेट इंडिया से। भाई गदर 2 के रिकॉर्ड को बीट डाउन करने वाली है ये। और भी बहुत मूवी हैं लाइक पठान, शायद 550 या 600 करोड़ के आसपास है उसको भी, तो बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है एनिमल का, और पूरी दुनिया से मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 655 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर रही है। और आज संडे है, आज तो और भी जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। भाई ऐसा होता है कि सैटरडे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है,
सैटरडे में कल उतना मिला लेकिन उतना नहीं मिला एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। आज कल से भी ज्यादा सैटरडे से भी ज्यादा संडे पर रुझान देखने को मिल रहा है। तबाही है, तबाही बिल्कुल। तो आज डे 10 पर यानी सेकंड संडे में एडवांस बुकिंग 13.4 करोड़ की ले ली है भाई। ऐसे रुझान सेकंड या थर्ड डे पर देखने को मिलता था, संडे में भी जबरदस्त बुकिंग लेते नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ हिंदी से मूवी 12 करोड़ का एडवांस बुकिंग लेते नजर आ रही है भाई। हिंदी ऑडियंस दिल खोल के पैसा खर्च कर रही है, एनिमल मूवी को थिएटर हाउस में जाकर बार बार देख रही है। कुछ तो ऐसे भी है जो डबलिंग भी कर रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। तो आज अर्ली एस्टिमेट नेट इंडिया से आता नजर आ रहा है लगभग 42 से 43 करोड़ नेट इंडिया से, जिसमें सिर्फ हिंदी से 40 करोड़ ठोक के मारे गए आज एंड ऑफ द डे तक। ओवरसीज से लगभग 13 करोड़ आता नजर आया और पूरी दुनिया से ये मूवी 60 से 62 करोड़ के क्लब में एंट्री मारते नजर आ रही है आज एंड ऑफ द डे तक। 60 करोड़ प्लस ये मूवी कमाई करते नजर आ रही है भाई। ऐसे रुझान हमें सिर्फ जवान और पठान के टाइम देखने को मिल रहे थे, पठान के टाइम भी नहीं देखने को मिले थे, जवान के टाइम पर देखने को मिल रहे थे। इस मूवी को अगर ओवरसीज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता तो ये इजली एनिमल मूवी इजली 1000 करोड़ ठोक जाती, क्योंकि नेट इंडिया से हिंदी ऑडियंस बहुत दिल खोल के इसको प्यार दे रही है, दिल खोल के प्यार दे रही है। बट हु नोज ये मूवी 1000 करोड़ भी टच कर जाए अगर अगले संडे तक यही रुझान देखने को मिला, क्योंकि कल से मंडे वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा। अगर कल जबरदस्त इस वर्किंग डेज में भी अच्छा रुझान देखने को मिल गया तो संडे तक ये मूवी 800 करोड़ 900 करोड़ या मे बी 1000 करोड़ भी टच कर जाए। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ लाइफ टाइम कलेक्शन 800 करोड़ होगा। आपका क्या कहना है कि 800 करोड़ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जरूर बताया जाना। और आपने अगर मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। मिलते अगले वीडियो में।